छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे मर रहे हैं, हमारे कोई यहाँ पे आके मदद नहीं कर रहा, हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। हाँ अदी असां का जेको पुजंदो जेकी हां सुकी आ सजा। अच्छा का शे वोने पानी वाली तरह वो फुल सुकी हो। अच्छा हां हुता बचो है ना। हां उते खाली करे वापसी भी आ जाऊं। सही सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालदैन, मेरे अजीजों कारी, मेरे दोस्त बाप, जितने मुझे देखने वाले मेरे चाहने वाले आप सबकी दुआओं से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जितने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करें और बेल आल को ज़रूर दबा लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक फौरन पहुँच सके। शुक्रिया। तो जैसा कि मैं यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ सैलाब से जो मुतासर लोग हुए हैं वो डेजर्ट के अंदर आके बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ के बारे में दिखाता हूँ बेचारे किस तरह आगे बसे हुए हैं, क्या उनकी ज़िंदगियाँ थी और किस तरह बेचारे आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आस खुले आसमान के नीचे यहाँ पे बैठे हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं और आप दोस्तों तक शेयर कर रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट तक शेयर कर रहा हूँ ताकि इन गरीब भाइयों की हमारी कुछ मदद हो सके, इनकी सपोर्ट हो सके। और इसी हवाले से मैं अक्सर सबसे अपील भी करता हूँ कि खुदारा प्लीज़ आप लोग सारे सपोर्ट करें, इनकी मदद करें ताकि ये जो गरीब लोग हैं यहाँ पे बेचारे परेशान हाल में बैठे हुए हैं, इसकी हम लोग मदद कर सकें। तो आज भी मैं यहाँ पे निकला हूँ और इनकी विज़िट कर रहा हूँ और आप दोस्तों तक शेयर कर रहा हूँ, इनकी लाइफ दिखाई है बेचारे जिस तरह ये बसे हुए हैं यहाँ पे आके और जिस जो जो इनके हालात हैं। आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सर्दियों के अंदर ये बसूँ बच्चों को लेके कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, आप लोग सोच ही सकते हैं जब खुले आसमान के नीचे ऐसे बैठे होंगे, सर्दी की शदीद होगी तो ये बच्चे बेचारे सर्दी से बीमार होंगे, मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होंगे। अभी भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ यहाँ पे जो पानी गंदा आ रहा है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा। तो मेरी सबसे अपील है और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि सारे मिलजुल के अपने गरीब भाइयों के लिए निकलें, इनकी मदद करें, प्लीज़ मेरी सबसे अपील है। और दूसरी बात ये मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों की सपोर्ट बहुत कम नज़र आती है, जो लोग मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आल को ज़रूर दबा लिया करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन पहुँच सके। आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, एंड तक भी देखा करें। जो नॉन सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी मेरे चैनल को वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती, मेरा काम करना ऐसे अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते जाएं। तो इसी तरह मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और मज़ीद चलते हैं, आपको विज़िट भी करवाता हूं। और गरीब लोग बेचारे इसी तरह पिस रहे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता, उनकी मदद के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ खुदारा इनकी मदद करें, उनकी सपोर्ट करें। आप लोग देख सकते हैं अभी ये आपको बता चलूँ, ये लोग इसी तरह ये टंकियाँ जो है पानी भर के लेके जा रही हैं और ये बेचारे घर के अंदर अभी पानी की किल्लत आ चुकी है और लोग बेचारे लेके आ रहे हैं पानी भर भर के। आप लोगों को बता चलूँ, आप लोग देख सकते हैं ये पानी भर के लेके जा रहे हैं बेचारे, लोगों को पिला रहे हैं उधर। ये किधर कितने भी हुई पानी ला रहे हो थर में, पानी खुटी हुआ थर में। अच्छा अच्छा हुता बि अचो है न। हाँ उते खाली करे वापसी भी आ जाऊं। सही 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 पानी चा हियर वरी खोट अची पानी ये तो पानी जो कमी भरे वणो तो किता ये गंदो पो बीमार कोन थिंदा। वर्षा कर पे पानी कोने किथे भी टाउन में कोने किथे भी माने वाने भरण कोन जा जाए। अल्लाह माफ करे हालात खराब थे ना, हालात खराब पानी भरन मंती किथे मिले कोने पीण ला भी कोने। अल्लाह खैर कर दो, बे सब खैर आ खैर। हां खुश उठायो, ये देख सकते हैं जिस तरह ये घर के अंदर भी पानी की किल्लत आ चुकी है, ये लोग बेचारे टंकियाँ डलवा रहे हैं लेकिन पानी पीने के काबिल भी नहीं है, लोग फिर भी बेचारे मंगवा मंगवा के अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को बता चलो ये हालात हो रहे हैं घर के अंदर दोबारा से और ये लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन रही है फिर से। और अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बता चलूँ घर के अंदर ये जिस तरह भाई वाले भी मुझे मिले रास्ते में, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है बारिशों का पानी तो ख़त्म हो चुका है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे और लोग बेचारे पीने के लिए दोबारा वही टैंकर और ये एक टैंकर तकरीबन 15,000, 16,000, 20,000 इस तरह आता है, वो बेचारे फिर वही रूटीन वही चीज़ें। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि मुझे सायरा सिस्टर्स और सायरा जमील ने बहुत सपोर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो
समर पंप लगवा के दिए 3, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। और मेरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मजीद में जिस भाई ने सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह वो वहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे ज़रूर समर पंप और उनकी सपोर्ट कराएंगे। और जैसे जैसे मेरा काम आगे बढ़ता गया, मैं इंशाल्लाह ताला ये काम नेक करता जाऊँगा, और आप लोग जो हिस्सा डालेंगे, और आपको भी अल्लाह पाक इसकी तौफीक दे, अजर दे, अपने इन गरीब भाइयों के लिए पानी के लिए कुछ करें। अभी मजीद घर हैं और यहाँ पे खेमा बस्ती है, यहाँ पे भी चलेंगे हम लोग। और ये भाई क्या कह रहे हैं जी, भाई जी पानी आएगा, पानी कौन है टमाटर केड़ी जाए तो बैठा। अच्छा, जिधर मैंने ये अभी ये लगा के दिया, समर पंप लगा के दिया है। हाँ, ये भाई ने मुझे रास्ते में जाते हुए रोका, भाई कह रहे हैं आपने जिधर समर पंप लगाया उससे तकरीबन हमारा गांव आगे कोई 10-15 किलोमीटर आगे है, हमारी भी मदद करें। अच्छा, उधर आप लोग किस को, को, को क्या जात है आप लोगों की? ये मुसलमान फैमिली से ताल्लुक है। ये रास्ते से मैं आ रहा था, अभी भाई ने मुझे रोका और देख, आपने मुझे पहचाना कैसे? आपको पता था मेरा, आप जानते हो मुझे? हाँ, आपको किसने बताया था मेरा? बेलन, वो उन्होंने बताया था। ये भाई कह रहा है कि मुझे उधर लोगों ने बताया था और आपका इस तरह बताया था, तो अभी मैंने आपको देखा तो मैंने आपको रोका। बोल चचा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा भाई, और इंशाल्लाह ताला मुझे समर पंप दिया ना तो मैं आपके गांव की विजिट भी करूंगा 2-3 दिनों के अंदर, और अगर किसी भाई ने लगा मदद की तो आप लोगों का उधर बोर करवा के दूंगा, ठीक है ना? ये मेरा वादा है आपसे भी इंशाल्लाह ताला, असी मदद करायूं था आई तवां जी दुआओं गड हुजन बस। ना ना बिल्कुल, मैं मुझे पता नहीं था आपका गांव किधर है, मैं पहले ज़रूर आता, आज आपकी मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही, इंशाल्लाह मैं आपके गांव विजिट करूंगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह मैं आपके गांव आऊंगा। अच्छा, हां अन्या ताणी मने उते प्यान जा काठ किला भी उते प्यान, अन्या पे घर कठा नु वो भी प्यान उते, अन्या मानो असने बटे मा उते बाहर वंजी बिठान करते बिठान। अच्छा, हां वो इते ताण जी मदद लेके रायो? अन्या केरी को नहीं, यो चावर के टाइम मिले था, के टाइम कौन था मिलन, के टाइम मिलन था, के टाइम कौन था मिले, पो ये आए पो चावर सही था मिलन, चावर बटेडी हल्या ही अब तो कौन था मिलन, पर बटेडी हल्या असा के थेली थेली दिंदा हुआ, थेली थेली दे रहे थे। तो जिस तरह चाचा से मैंने पूछा तो चाचा कह रहे कि हमारी इधर मदद करने उधर कोई नहीं आया, हम लोग जो हमारा गांव है उधर सारे हम लोग डूबे पड़े हैं, और घरों में भी तकरीबन हमारे पानी है, वो भी सहायती दी दो तो बराबर ही बुढ़ी निकतान फसल बुढ़ी हो वो भी गवाई दी दो बैठो आ जमींदार की हर शे बुढ़ी भैया हर शे मने का शे कौन है का शे भी कौन रही है ना ना अन्या पे हलो असी सर भी करो असी हलू दा कर तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि आप लोग बेशक अभी चलो हमारे साथ और वहाँ पे जाके आप लोग देखें विजिट करें, फिर बेशक हमें हमारी कोई मदद करनी हो तो करवाएंगे, हमारे घर बार हर चीज़ पहुँच चुकी है। छाना लो बात उजो गोम तो ये भाई का नाम गोम तो है, इतने घना घर आयो चाचा? चार घर आयो, तो यहाँ पे चार घर हैं, ये बेचारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सैलाब से जो मुतासर होके आए हुए हैं, मजीद इनके पास चलेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरफ चारे ये लकड़ियों की झोंपड़ियाँ बना के बेचारे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग हालात, जो सैलाब से मुतासर लोग हो के आए हैं उनके ये हालात हैं, और उनकी मदद के लिए यहाँ पे कोई अमला नहीं पहुँचा, ना NGOs पहुँची है ना गवर्नमेंट की तरफ से, हम ताए नालो रेशम बतावाजो मोहन कहीं बतावाजो नियाल ये अदी तवाजो कमली, ये देख सकते हैं ये सारे बेचारे जो सैलाब से मुतासर चाचा समूह अची वो अमां तुम समूचो ना तुम भी ये सैलाब से जो मुतासर हो गए। हाँ जी, आपकी उर्दू आती है किसी को? उर्दू आती है ना तुम कौन थे? हाँ ठीक है ठीक, उर्दू अच्छे तुके थोड़ी तुम उत केड़ी जगह बुढ़ी आया है? अच्छा, नजर हुसैन कोर्ट से ना, तो ये सारे बेचारे सैलाब से जो मुतासर हो गए हैं, ये फैमिली है पारी पूरी, और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक वो बहन के हाँ जो पकड़ा हुआ है उन्होंने गोद में वो बच्चा है, यहाँ पे कोई आपकी मदद के लिए थे वहाँ जी के राय हो गए थे मदद लाए, ये भी कौन मदद लाया?
गवर्नमेंट जो को मानू आयो जे को एनजीओ जो आई जका 25,000 गवर्नमेंट ना हु के मिलया अच्छा कौन मिलया आई तोन मुर्सन के जिस तरह ये मामले कह रहे कि हमारी तरफ गवर्नमेंट ने आंख उठा के भी नहीं देखी और ना हमें किसी एनजीओ ने देखा ना किसी और इदारों ने देखा। हम लोग अपने बच्चों की जाने बचा के 8-8, 9-9 फीट से पानी से निकल के यहाँ पे रेत के अंदर आके बैठे हुए हैं अपने इन बच्चों को लेके। और यकीन करें यहाँ पे गर्मी इतनी शदीद थी पिछले दिनों, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है और आगे मज़ीद ठंड शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कहाँ पे लेके जाएंगे, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह ये झोंपड़ियाँ बना के बेचारे यहाँ पे बैठे हुए। तमाम कुछ चंदा चाचा हाँ जी मदद कौन कही है? चाचा हुआ मन हाँ जी मदद थियन खपे जिस तरह बहन कह रही है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे मर रहे हैं, हमारे कोई यहाँ पे आके मदद नहीं कर रहा। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? हाँ अदी असां का जेको पुजंदो जेकी मदद कराइंदासी असी आवाज तवां जी खणू था, असां जी गवर्नमेंट तक आवाज तवां जी खणू था। असां जी गवर्नमेंट अचे तवां जी मदद करे, एनजीओ अचे तवां जी मदद करे, असां का जेको पुजंदो असी तवां जी मदद कराई, ठीक है ना? आई छो था इते तंबून जी भी जरूरत है, आई खाते पीते जी भी जरूरत है, अगते जो सी अचे तो वो सी में जेको है मानन के जेको परेशानी वधिक थिंदी। तो उनके करे इंशाल्लाह ताला तमाम सबनन भारन जी अल्लाह खैर करे, जेकी भी कुछ पुजंदो असी तवां जी मदद कराइंदासी, ठीक है ना? आई आन बुड्डी आया आयो जाहिरी गाल है एकड़ो मानो बुड्डी तो अचे हियर उन जी मदद ना थिंदी पो कटे थिंदी बुड्डी आया ना साजे घर मामा बाल पानी बिटो मथे देता पानी बिठो है ना उते जारी गाल है जे बोर्ड आई तो पानी में हर शायद जेकी बुडी वई फते डंड जको चवन था वो डंड सजी बुडी पई है। अच्छा फते डंड सब को गवर्नमेंट के खबर है तपेदार उनके खबर है तो अपना फते डंड है वो डंड सजी बुडी पई तभी हुन हुन एरिया में उते ही बैठा पानी में कौन तो थी के रची ता जी मदद ना करे असा जी मदद कोन असा बच्चा खणी जी भेटन ते चढ़े। चाचा कह रहे हैं हम लोग जब डूब गए अपने बच्चों को अपनी जिंदगियां बचा के बच्चों की जिंदगियां बचा के रेत के टीलों पे आके यहाँ पे बस रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। ये भाई जो ये टांग से मजदूर है, क्या नाम है आपको बता रहा? कान जी है ना? तो ये टांग इसकी क्या पोलियो था इसको क्या क्या एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था? पोलियो हुआ था, पोलियो से। वो ये देख सकते हैं पोलियो से बेचारे का मजदूर है और एक मजदूर आदमी बेचारा क्या कर सकता है, जो वो यही सोच सकता है यार कोई हमारी मदद करे आके, क्योंकि उससे कोई काम तो होगा नहीं या इससे कोई ऐसी मजदूरी होगी, ये बेचारा इसी आस पे बैठा हुआ। ये देख सकते हैं और ये इन्होंने ये घर बनाए हुए जो ये देख सकते हैं ये झोंपड़ियाँ इस तरफ जाके बना के बैठे हुए हैं, अपने सामान वगैरह इन्होंने निकाल के यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ये इनके घर हैं, ये ज़िंदगी है जी इनकी और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जहाँ पे इनके अपने घर थे आज ये अपने बेघर होके बैठे हुए हैं, ये इनकी लाइफ है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आया हूँ और अपने इन गरीब भाइयों की आवाज़ उठा रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट तक अपनी एनजीओ तक, ताकि अपने इन गरीब भाइयों की मदद हो सके, इनकी कोई मदद करे। ये बेचारे डूब के अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा के यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, रेत के टीलों पे आके बैठे हुए हैं, यहाँ पे आके बेचारे अपनी पनाह ली हुई है। ये जाएं तो बेचारे जाएं कहाँ? ये मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? यकीन करें आगे मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, सर्दियों में ये बेचारे क्या करेंगे और अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे जिनके पास सर ढकने की जगह नहीं। ये झोंपड़ी ये जो उन्होंने लगाए हुए हैं किचरे वगैरह, इससे सर्दी क्या रुकेगी और क्या इनका आलम होगा? दारा प्लीज मेरी और इनको वो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 रुपये फ्लड जो लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं उनको भी नहीं मिले। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ खुदारा इस तरह आके चेक करें, जो बेचारों को पैसे नहीं जिनको मिले उनको पैसे मिले, ताकि सही हकदार हैं जो जो बेचारे डूब के आए हैं उनको पैसे मिले, जो नहीं डूबे हुए उनको मिल रहे हैं, ऐसे ही है ना? उनको मिल रहे हैं, जो बेचारे डूबे हैं उनको मिल ही नहीं रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार ऐसे लोगों को आए अपनी टीम को भेजें, देखें जो बेचारे डूबे हैं उनको पैसे भी दें। खुदारा प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने इन गरीब भाइयों के लिए लिखने, इनकी मदद करें, इनकी सपोर्ट करें, इनकी आवाज़ उठाएं। यही वक्त है, यही घड़ी है इन भाइयों की सपोर्ट करने का। कल ये बेचारे परेशान होंगे, यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, यकीन करें मुख्तलिफ़
दिल की बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, पानी अच्छा नहीं है, पानी पीने को नहीं मिलता, ये रेत के अंदर तो आके बैठ के लेकिन इनके पास पानी पीने को नहीं मिल रहा। उतारा प्लीज यार कुछ ना कुछ हेल्प करो, कुछ ना कुछ इनकी मदद होनी चाहिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और अपील भी है। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।